यूपी बोर्ड 12वीं फेल, 12वीं में फेल होने वाले छात्र क्या करें, जाने पूरी जानकारी सब कुछ मैं बताऊंगा। तो चलिए वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डियर बाल क्लासेस बाय बालाजी सर। चलिए मैं एक एक पॉइंट आपको बताता हूं, ठीक है। यहां पे मैं साफ साफ दिखा दे रहा हूं दो विषयों में फेल छात्र क्या करें, अपना नंबर कैसे बढ़ाएं, फेल या कम नंबर वाले क्या करें, ठीक है। तो प्लीज यहां पे एक लाइन और लिखा है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि आपके लिए मैं दिन रात मेहनत करता हूं, ठीक है। प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आगे चलेंगे, हम आपको दिखाने वाले हैं जो पॉइंट्स दिखा रहे हैं वो मेन पॉइंट्स है, अच्छे पॉइंट्स है, ठीक है। यहां पे साफ साफ लिखा है फेल होने वाले या कम नंबर वाले स्टूडेंट्स को लग रहा है उनको नंबर मिलना चाहिए था, ठीक है, तो वो स्क्रूटनी के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको बोर्ड द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करना होगा। अच्छा, प्रोसेस कब शुरू होगा, कितनी शुल्क जमा होगी, इसकी जानकारी यूपी बोर्ड की वेबसाइट पर दे दी जाएगी और हम जल्द ही आपको वीडियो के माध्यम से बता देंगे। लेकिन आप सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें जिससे सबसे पहले आपको सूचना मिले, ठीक है। तो यहां पे आपको दिखा दिया गया है, ठीक है, 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। यूपी बोर्ड ने सभी स्ट्रीम का रिजल्ट एक साथ जारी किया है, ठीक है। तो 12वीं में मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, यहां पे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है 12वीं में पास ना होने वाले स्टूडेंट का 15% लोग जो है क्या है, फेल है, ठीक है। तो हम चलते ही दिखाते हैं ऐसे में फेल होने वाले कौन कौन हैं, इसमें आपके आएंगे फेल होने वाले आएंगे या कम नंबर पाने वाले आएंगे। जिनको लग रहा है उनको नंबर मिलना चाहिए था वो स्क्रूटनी के लिए आवेदन कर सकते हैं। आप स्क्रूटनी के लिए आवेदन कर सकते हैं, आपको बोर्ड द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करना होगा, ठीक है। और हम स्क्रूटनी के बारे में कुछ पॉइंट्स बताते हैं, उसको ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अभी मैं लास्ट में पूरी पॉइंट्स बताऊंगा कि कैसे क्या करना है, कौन कौन स्क्रूटनी दे सकता है, स्क्रूटनी प्रोसेस कब शुरू होगा, कितना शुल्क, ये आपको वेबसाइट पर दे दी जाएगी। अच्छा, तो रुकिए मैं पहले स्क्रूटनी के बारे में बता देता हूं, ठीक है। स्क्रूटनी सबसे पहले आपने जो रिजल्ट डाउनलोड किया है उस रिजल्ट के नंबर को जोड़िए, क्या पता ऐसा तो नहीं है कि आपका 302 नंबर आया हो और वहां पे वो टोटली गलत लिखे हो, 298 लिख के आपको सेकंड डिवीजन कर दिया हो। सबसे पहले ये लोग अपना आवेदन कर दें, स्क्रूटनी ये जरूर करवाएं, ठीक है। और एक चीज मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, अगर स्क्रूटनी में कॉपी चेक हुई और आपके नंबर कम आए तो आपके नंबर कम नहीं किए जाएंगे, आपके नंबर कम नहीं किए जाएंगे। और अगर आपका नंबर ज़्यादा हो रहा है तो वो चढ़ा दिया जाएगा, लेकिन अगर कम हो रहा है तो वो नंबर नहीं दिया जाएगा, जो नंबर पहले था वही दिया जा रहा है। अब सोचो आपने 45 नंबर लाया था, आपकी कॉपी रीचेक हुई तो 40 मार्क्स आ गया, तो आपको 45 दिया जाएगा, लेकिन अगर आपने रीचेक करवाया अगर 90 आ गया तो आपको 90 दिया जाएगा। तो प्लीज़ स्क्रूटनी आप लोग करवा सकते हैं, स्क्रूटनी आप लोग कराइए। अच्छा, स्क्रूटनी आप जरूर करवाइए। कैसे, कई बच्चों का फोन आता है कि सर मेरा 90 नंबर है, 90 नंबर आना चाहिए था लेकिन 40 मिला है। 40 क्यों मिला है, आपने ए बी कॉपी लगाया होगा, ए कॉपी ही आपकी जची हुई है, बी कॉपी नहीं जची हुई होगी और उसका नंबर नहीं चल पाया। इसलिए प्लीज स्क्रूटनी जरूर कराएं, आपके नंबर बढ़ेंगे, 100% बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आगे बताते हैं, कंपार्टमेंट में शामिल हो सकते हैं, आराम से आप कंपार्टमेंट में शामिल हो सकते हैं, ठीक ना। कौन कौन शामिल होगा, ठीक है, मतलब यहाँ पे दे दिया है ग्रीष्मांक लगने के बाद भी अगर पास नहीं होने तो उन्हें कंपार्टमेंट परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदन करना होगा, ठीक ना। अगर आपने स्क्रूटनी वगैरह कराया नहीं पढ़ रहा है तो आप आराम से कंपार्टमेंट एग्जाम दे दीजिए, आप बढ़ जाएगा नंबर, आगे चले जाएंगे, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो पसंद आया, वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ जरूर शेयर करिए, लाइक करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।